तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आज मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में दोस्तों बात करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी M31 के बारे में। दोस्तों अगर आपके पास सैमसंग गैलेक्सी M31 है तो दोस्तों आपको कुछ चीज़ों का मेजर ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों इन फ्यूचर आपका फ़ोन किसी एक्सीडेंट की वजह से टूट जाता है, फिर आपका गिर के फ्रंट डिस्प्ले टूट जाती है, आपकी बैटरी इन फ्यूचर डैमेज हो जाती है, तो आपको रिप्लेसमेंट कराने की प्राइस का आपको बिल्कुल आइडिया नहीं कि कितने रुपए का आपका रिप्लेसमेंट पड़ेगा बिना सर्विस सेंटर जाए हुए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके जितने भी सैमसंग गैलेक्सी M31 के जितने भी पार्ट्स के उतनी प्राइस कितने रुपए पड़ेगी इन फ्यूचर अगर आपको रिप्लेसमेंट कराना होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों उससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उसको प्रेस करके बेल आइकन को ऑल कर लिए ताकि हमारी हर ऐसी रिलेटेड वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलते दोस्तों। और इस वीडियो में मैं लाइक एम रखता हूँ 10। दोस्तों होप करता हूँ आप 10 लाइक को कम्प्लीट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आपके पास सैमसंग गैलेक्सी M31 है तो दोस्तों आपको पता होगा कि इसकी डिस्प्ले कितनी हाई क्वालिटी की होती है। दोस्तों डिस्प्ले सैमसंग के मामले में बेस्ट है क्योंकि दोस्तों जो प्राइस में आपको डिस्प्ले सैमसंग देता है वो उस प्राइस में शायद ही कोई ब्रांड देता हो, बल्कि 15,000 के बीच या फिर 20,000 के बीच में जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले देता है सैमसंग, अदरवाइज दूसरे ब्रांड हमें प्रोवाइड नहीं करते हैं। सैमसंग के मामले में थम्सअप देना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपके फ़ोन की बैक साइड टूट जाता है, जो बैक पैनल होता है अगर वो क्रैक हो जाता है फिर टूट जाता है, तो उसके लिए आपको प्राइस देना पड़ेगा 1,441 रुपया, यानी कि 1,441 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। दोस्तों ये जो प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ पार्ट की ओरिजिनल प्राइस है, बट जब आप सर्विस सेंटर पर जाएंगे तो वहाँ पर GST प्लस सर्विस चार्ज आपको अलग से आपको देना पड़ेगा। दोस्तों वहीं पर बात करूँ अगर फ्रंट डिस्प्ले अगर आपकी टूट जाती है तो आपको पता होगा कि फ्रंट डिस्प्ले ज़्यादा हाई क्वालिटी के इस वजह से आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे फ्रंट डिस्प्ले के लिए। तो दोस्तों फ्रंट डिस्प्ले के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे 3,799, यानी कि 3,799 रुपये आपको फ्रंट डिस्प्ले के लिए आपको देना पड़ेगा, जो कि दोस्तों आपकी डिस्प्ले हाई क्वालिटी की इस वजह से आपको पैसा भी ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। दोस्तों वहीं पे बात करते हैं दोस्तों अगर बैटरी की। दोस्तों अगर बैटरी इन फ्यूचर अगर आपकी डैमेज हो जाती है या फिर आपकी बैटरी कम चलने लगती है, अगर आप उसको रिप्लेसमेंट कराना चाहते हैं तो आपको बैटरी के लिए आपको प्राइस देना पड़ेगा 1,651 रुपये, यानी 1,651 रुपये आपको देना पड़ेगा। दोस्तों बैटरी यहाँ पर आपकी 6,000 mAh पेयर की बैटरी, हाई कैपेसिटी की बैटरी है, तो इसलिए आपको ज़्यादा आपको पैसा देना पड़ेगा। वहीं पे दोस्तों अगर बात करते हैं बोर्ड की, अगर मदरबोर्ड में आपको प्रॉब्लम हो जाती है या फिर इंटरनल कोई प्रॉब्लम आ जाती है फ़ोन में, तो उसके लिए आपको पैसे ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों जो मेन बोर्ड है काफ़ी महंगा आता है। उसके लिए दोस्तों 6,685 रुपये आपको देना पड़ेगा, यानी कि 6,685 रुपये आपको देना पड़ेगा। दोस्तों ये जो मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ ये सिर्फ पार्ट की ओरिजिनल प्राइस है, बट आप जब जाएंगे सर्विस सेंटर पे तो वहाँ पे आपको GST और सर्विस चार्ज आपको अलग से पे करना पड़ेगा। वो जो ऊप चार्ज होगा वो सर्विस सेंटर वाले फिक्स करेंगे कि आपको कितने रुपए पैसे दे। दोस्तों आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि सैमसंग गैलेक्सी M31 के जो पार्ट्स हैं कितने महंगे या फिर कितने रुपए में रिप्लेसमेंट होगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई। वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उसको प्रेस करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिए ताकि हमारी हर ऐसी रिलेटेड वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों यहीं पर हमारे 10 लाइक को भी कंप्लीट कर दीजिएगा।